हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिष किचन। आज हम शाही टुकड़ा बनाएंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ब्रेड लिया है और ये 1/2 लीटर दूध है। दूध से हम रबड़ी तैयार करेंगे और चीनी है। चीनी से हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी हम एक तार की चाशनी बनानी है। और सबसे पहले ब्रेड को हम कट कर लेंगे। इस तरह से ब्रेड को कट कर लेना है। सारे ब्रेड को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। ब्रेड को हमने काट लिया है। अब सबसे पहले हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए पैन में 1 कप पानी डालेंगे। अब इसमें चीनी डालेंगे और इसकी एक तार की चाशनी बनाएंगे। ब्रेड सॉफ्ट नहीं हो इसीलिए हमें चाशनी एक तार की बनानी है। जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है हम रबड़ी भी बना लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए पैन में ये जो हमने 1/2 लीटर दूध लिया था इसे डाल देंगे। और इसे चलाते हुए सुखाना है। इसे चलाते रहेंगे, नहीं चलाएंगे तो नीचे चिपक जाएगा, फिर इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। और इसमें ये जो मलाई ऊपर में जम रहा है इसे हम इस तरह से साइड करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। दूध सूख कर आधा हो गया है। अब इसमें सैफ्रॉन, इससे कलर इसका अच्छा आएगा, ये इलायची पाउडर और इसमें थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। अब इसे चलाते ही रहेंगे। इस स्टेज पर इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और रबड़ी लगभग रेडी हो गया है। रबड़ी तैयार हो गया है, इसे हम उतार लेते हैं। और ये एक तार की चाशनी भी तैयार हो गई है, इसे भी हम उतार लेते हैं गैस से। फिर से पैन में तेल गरम करेंगे और इसमें ये जो ब्रेड को हमने कट किया था इसे फ्राई करेंगे। अब इसे पलट देंगे। ये फ्राई हो चुका है। इसी तरह सारे ब्रेड को हम फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम निकाल लेते हैं। यहाँ हमने सब कुछ रेडी कर लिया है। अब ये जो हमने ब्रेड को फ्राई किया था इसे चाशनी में डुबोएंगे। बस इतना ही देर में अब इसे निकाल देंगे। चाशनी में ज़्यादा देर नहीं छोड़ेंगे, इसे तुरंत ही निकाल देंगे। अब इसमें ये रबड़ी को डालेंगे।
और अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। आप जब भी इसे बनाते हैं पहले से ही ब्रेड को रबड़ी में डालकर नहीं रखना है, ना ही चाशनी में डुबो कर रखना है। जब आप इसे सर्व करते हैं तभी आप इसे चाशनी में डुबोइए और रबड़ी इस पर डालिए, नहीं तो ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।